हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीएमआर वर्सेस एटीएमआर। नॉर्मल टाइमर जो होता है वो TMR T050 हम लिखते हैं। यहाँ पर एक एटीएमआर होता है। एटीएमआर एक कॉन्टैक्ट टाइप टाइमर होता है 16 बिट के लिए। यहाँ पर देखिए S1 इक्वल टू टाइमर नंबर। टाइमर नंबर में हमें T0, T1, T20, T100 टाइमर का एक नंबर डालना होता है, और S2 में हमें टाइमर की एक वैल्यू डालना होती है कि हमें टाइमर कितने मिलीसेकंड या कितने सेकंड के लिए रखना है। तो चलिए अब देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से बनता है। तो पहले हम टाइमर का एक इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम ATMR का एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। एक इनपुट लेते हैं LDX0, इससे हम एक टाइमर ऑन कराते हैं TMR T050। 5 सेकंड का एक हमारे पास टाइमर है। फिर एक नेटवर्क ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LDT0। जब ये टाइमर कंप्लीट हो तब इससे एक आउटपुट ऑन होता है, OUT Y0। अब हम एक ATMR का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, एक नेटवर्क ऐड करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा इनपुट लिखते हैं LDX2। देखिए ATMR के लिए लिखना है ATMR, ठीक है। फिर स्पेस देना है, यहाँ पर T1 हम टाइमर लेते हैं और इसकी वैल्यू भी हम 50 रखते हैं। ATMR के साथ में हमें एक आउटपुट लिखने की स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पर देखिए लिखता हूँ OUT Y1, ठीक है ना। तो जब हमें प्रोग्राम को कंप्रेस करके छोटा करना हो तो वहाँ पर हम ATMR यूज़ करके नॉर्मल ATMR से हम किसी आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली देखते हैं ATMR किस तरह से काम करता है। रन, ठीक है। देखिए यदि X0 को एक बार ऑन करता हूँ तो यहाँ पर टाइमर ऑन होता है, और टाइमर ऑन होने के बाद 5 सेकंड के बाद एक आउटपुट ऑन हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से यदि X2 को एक बार ऑन करता हूँ तो यहाँ पर भी टाइमर ऑन होता है और 5 सेकंड के बाद एक आउटपुट ऑन होता है, देखिए। लेकिन इसमें और इसमें एडवांटेज ये है, जो ATMR होता है उसमें हमें आउटपुट लिखने के लिए अलग से स्पेस मिल जाती है, जबकि टाइमर के साथ में नॉर्मल TMR इंस्ट्रक्शन के साथ में हमें एक अदर लेडर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हमें प्रोग्राम को कंप्रेस करना है, प्रोग्राम के लेडर कम करने हैं, प्रोग्राम को थोड़ा छोटा बनाना है, तो वहाँ पर हम ATMR का यूज़ कर लेते हैं। एडवांस PLC प्रोग्रामिंग में ATMR का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन ATMR एंड TMR, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फ्लोटिंग नंबर्स के वीडियोज़ देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।